आ गए तुम वापस? हो, घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया। चलो अच्छी बात है। वेल देखो कौन है। हेलो। हाँ उमेर, मैं बस निकल रही हूँ। ओके ओके बाय। पता चल गया ना क्या हुआ है कल। डजेंट मेक एनी डिफरेंस। फरहान की फैन फॉलोइंग बढ़ाने का वक्त है। एवरीवन लव्स हिम। सलार की फिल्म का सेकंड लीड है वो। सलार को पीछे धकेलने से वो स्टार नहीं बन जाएगा। लुक, कोई उसके साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाहता। फिल्म के प्रमोशंस पर जो कुछ हुआ ठीक हुआ। बाय द वे, हमारी वेबसाइट पर यास्मीन का नाम अब तक क्यों है? आई जस्ट गेट इट चेक। वैसे रहने देना, क्या फर्क पड़ता है? अगर लोगों को लगता है कि वो आज भी हमारी एजेंसी का हिस्सा है तो हमारा ही फायदा है। ये चीप टैक्टिक्स ना तो मैंने पहले कभी इस्तेमाल किए ना आइंदा कभी करूंगी। हमें अपना नाम ऊपर रखने के लिए उसके नाम की जरूरत नहीं है। वैसे भी इंतहाई लालची और सेल्फ सेंटर्ड लड़की है वो, दैट्स ऑल। अकरम को बोलो मेरी दवाइयां लेकर आए प्लीज। दुबई कब? नेक्स्ट मंथ। ग्रेट, लेट्स गो टुगेदर, वील कवर एवरीथिंग। क्या वापस आके भी तो हो सकता है ना कि नहीं? मैं तुम्हें सब कुछ भिजवा दूंगा। और आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं सालार, आप भी जानते हैं। और आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? अच्छी प्रमोशन, अच्छी पीआर एजेंसी, अच्छी दोस्त, सारे फर्ज निभाए हैं मैंने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजों को पॉजिटिव ही रहने देना चाहिए। पॉजिटिव या अधूरा। Oh, I see. You have a problem with older women, don't you? Yes, I do. Actually, मैं सिर्फ उनकी इज्जत कर सकता हूँ, वो भी तब तक जब तक वो मौका दे। Hey, hey! Excuse me. आई थिंक वी कैन रिकंसिडर द आर्टिकल। सालार ने केस फाइल कर दिया है। मिश्रा, तुम जानती हो हम इस वक्त किसी को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक इंटरव्यू की डेट भी नहीं दिलवाई। यू नो दैट्स नॉट द इशू। तुम चाहो तो आज ही मिल सकती हो, बट इरफान वो पब्लिश ही नहीं होने देगा जिस पे उसे इख्तिलाफ है। आप जानती हैं यहाँ कितने लोगों को इख्तिलाफ है उनसे। कहीं और जॉब मिल गई है क्या? काम डाउन, इस वक्त धीमे रहने में ही हमारी भलाई है। तुम नहीं जानती कि अंदर ही अंदर क्या बातें चल रही हैं। बता दें ये भी। तुम्हारे ट्रांसफर की। व्हाट? यस, एंड दैट टू फॉर द इस्लामाबाद ऑफिस।
मंजूर है? हरगिज नहीं। तो फिर अभी भी वक्त है, संभल जा। यू नो यू आर द बेस्ट वी हैव। क्योंकि आपने अभी तक किसी वकील का इंतखाब नहीं किया है, लिहाजा मुझे आपसे ही बात करनी पड़ेगी। याद रहे, सालार खान ने एक बार नहीं, दो बार ज़ाती तौर पर आपसे बात करने की कोशिश की। किसी के काम के बीच घुसाने को बात करना नहीं, धमकाना कहते हैं। ये दलाइल आप कोर्ट के लिए और कोर्ट पहनने वालों के लिए छोड़ दें। आप जितना कहेंगे उतना अपने केस को कमजोर करेंगे। अगर आपके पास कोई गवाह, कोई सबूत है जो आपके इस इल्जाम को सपोर्ट कर सके, व्हाई नॉट, तो आप उनके नाम दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, ये सब सिर्फ मेरे करियर और मेरी रेपुटेशन को खराब करने के लिए किया जाता। वो तो आपने किए हैं, कोशिश नहीं, खुला आवार किया है आप। वो तो सिर्फ आपके इल्जाम का जवाब दे रहा। फिर मेरा जवाब भी आ जाएगा लीगली। डरा रहे हैं आप? नहीं, कहीं आप तो कोशिश नहीं कर रहे मुझे डराने की? तो बाबा है? आप घर क्यों नहीं आ रहे हैं? आ जाऊंगा यार, जल्दी आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। Everything good at school? आप बताओ, स्कूल में सब ठीक है? Sure? अरे, I'm sorry यार, उस दिन मुझे तुम पे इस तरह चीखना नहीं चाहिए था। It's okay बाबा। सहीर, कार ले आए। हरी अब कैस के मेरी शान, पापा मैं आपके पास रुक जाऊं? यार अभी नहीं रुक सकते, बट आई विल बी बैक सून। चलो चलो, तो चलो चलो, गया चलो। मैं अब करूं? वैसे अगर तुम चाहो तो घर आ सकते हो सालार। मुझे लगता है हम बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितना भी बचा लें, उन्हें दुनिया का सामना करना पड़ेगा। अपने ऊपर हर इल्ज़ाम बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वजह से मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो, ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। I'll do everything in my power to make sure it doesn't happen to them। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी हर पब्लिक अपीयरेंस में मैं तुम्हारे साथ थी, और तुमने मुझे केस के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा तुम इंटरेस्ट नहीं होगा। सुनो, मम्मी से बात हुई तुम्हारी?
उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई और मैंने भी नहीं की। मुझे लगा उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप कुछ तो कंसिडर कर सकते हैं ना। एक्चुअली भाई साहब, आपको एक्टिंग की हुए काफ़ी साल हो। यार ये हम सब में बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं और आप इन्हें कास्ट करने की बात कर रहे हैं। फरहान, थैंक यू, बहुत सुना है आपके बारे में, बहुत शुक्रिया। मेरे सीन्स हैं इनके साथ? सर एक्चुअली जिस कैरेक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं ना, इनके तीन सीन हैं उनके साथ। लवली, जबरदस्त, बहुत मजा आएगा आपके साथ काम करके। तीन सीन्स है ना, इसे दो कर दो। सर लेकिन मुझे इस पेंडू प्रोडक्शन के साथ काम नहीं करना। सर मैं राइटर से बगैर पूछे सीन कैसे काट सकता हूँ? सर राइटर ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। कुछ नहीं सोचता यहाँ का राइटर, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो वरना एक्टिंग भी उन्हीं से करवा लो। फरहान सर, ऑफिस। सर फरहान, देखे हो कौन है? बाजी, बाजी इतना क्यों चिल्ला रही? बाजी बाजी इसे देख। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी अब देखा आपकी नौकरानी को गलत फहमी हो गई है, मेरी तो बिल्कुल बहनों जैसी है ये। लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। बाजी ज़रूरतमंद आदमी हूँ, अगर मेरे साहब ने मुझे निकाल दिया तो कहाँ नौकरी ढूंढता फिरूँगा, कहाँ मारा मारा फिरूँगा, है ना इसको। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बात करूँगी। लेकिन कोई भी बिला वजह किसी के खिलाफ नहीं बोलता, ये तो बात जानते हो ना तुम। जी मैं अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार हूँ। गलती से एक दो बार नजर पड़ गई होगी, लेकिन कोई गुंडा बदमाश थोड़ी हूँ मैं। आप बोले तो मैं भी इसके सर पे हाथ रख दे, तो बहन जैसी है मेरी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ, ये बेस से ले लो फौजी। अच्छा मैं लेती, ठीक है तुम जाओ। शुक्रिया बाजी। हाँ ठीक है, सही है, जाओ। बाजी। हाँ जी, शुक्रिया पाजी। काम करो।
सर खाना लगा दूं आपका? नाइस। सर ये क्या पट्टी ला दूं आपको? अम्मा क्या हुआ? दवा ली? अम्मा फिर से चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते, सब अल्लाह की देन है। अम्मा अल्लाह ने अकल भी दी है। देख बेटा जो पैदा करने का जरिया बनता है वो रिस्क देने का भी जरिया बनता है। वो जरिया तू और मैं है अम्मा, कोई तीसरा नहीं है। ये समझ में नहीं आता तुझे? कुछ खाने को मिलेगा इस घर में या भूखे मर जाए? आते हो जी। सालार खान और ईमान मंसूर के केस में जैसा कि हम आज लोगों से पूछने वाले हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, चले हम इनसे पूछते हैं कि क्या इनके राय है इस हवाले से। जी आंटी आप बता सकेंगी कि आपका इस केस के हवाले से क्या राय है? हाय हाय लाना तो ऐसे सियासतदानों पर। अच्छा भला आदमी है, केस खत्म होने का ये तो मतलब नहीं है ना। भला वजह उसे बदनाम किया हुआ है भाई। मर्दों के पास तो यही तरीका है अपनी ताकत आजमाने का। अच्छा आप बताएं आप किसकी ज्यादा फैन है, ईमान की? जैसा कि आपने सुना आवाम की राय, आए पूछते हैं कुछ और लोगों से भी। आई एम सॉरी, मुझे सबसे बाहर रखें। यास्मीन तुम सबसे इम्पोर्टेंट गवाह हो। मैं कहाँ से गवाह बन गई? क्या देखा मैंने या क्या देखा किसी ने भी फॉर दैट मैटर? ये सब तुमसे ही शुरू हुआ है। या बिकॉज यू वांटेड इट टू। जस्ट अनफेयर। मेरा नाम कैश करके तुम लोगों से दांत तो ले रही हो लेकिन एक मिनट मैंने आपका नाम कैश किया है या फिर मेरी वजह से इस केस को इम्पोर्टेंस मिली है? ऐसे ही सुनते लोग, अगर मैं नहीं बोलती तो। मुर्तजा लारिब को भेजें, प्रेस रिलीज चाहिए। आपको नहीं पता उसने तो रिजाइन कर दिया है। कब? ये तो किसी को नहीं मालूम लेकिन बहुत रो रही थी, शायद कोई पर्सनल इशू है।
फकर से आला से चले कि 3 साल बच्चे के साथ ज्यादा का ये मुआवजा है। बच्ची का करने के बाद कत्ल करके कूड़े के डब्बे में फेंक दिया गया। अब कब तक चलेगा ऐसे? कब तक हमारे मुल्क की बच्चियों का ये हाल होता रहेगा? क्या हो रहा है ये? मेरे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि एक वक्त आएगा कि हम सब बेहोश हो जाएंगे, किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी धमाके से नहीं, बस अपने घर वालों से पूछ लेंगे कि तुम ठीक तो हो ना, घर पे हो ना। अब तो ये खबरें देखकर भी हमें रोना नहीं आता। जब हम इतने बेहिस हो गए हैं तो जुर्म करने वाले कितने बेहिस हो गए होंगे। नौरीन, आपको बुशरा मैम बुला रही हूँ। असम यार साहब, आप हुक्म किया करें, काफ़ी है। मैं यहाँ होता तो आपकी बात करा ही देता। अब तो काम हो गया असान साहब, फिर कभी सही। इन सनतकारों से एक एक करके निमटना पड़ेगा। बॉय कैसा है? ही इज गुड, अगर मसरूफ रहे तो। मतलब खाली दिमाग शैतान का घर। वो थेरेपिस्ट का क्या नाम था जिसके पास भाभी जाया करती थी? थेरेपिस्ट डॉक्टर सलाउद्दीन, क्यों खैरियत? हाँ, वो एक दोस्त ने पूछा था। अब क्या जरूरत पड़ गई आपको हमारी पीआर एजेंसी की? आप तो पहले ही काफी मशहूर हो चुके हैं। मैं जानता हूं जिसने मेरे बारे में वो सब कुछ लिखा है, वो आपके लिए काम करती है। करती थी सालार, अब नहीं करती। इन फैक्ट वो कहाँ है मुझे तो ये भी पता नहीं। आयशा, पर्सनल ग्रजेस को काम से अलग रखना चाहिए। मैंने ये बात बहुत बाद में सीखी। मैं सीख भी जाऊं तो कोई फायदा नहीं सालार। औरत होना, पर्सनल ग्रजेस फोरफ्रंट पर ही रहेंगे। और बोलें, यू कांट सपोर्ट मी, तुम बैड माउथ नहीं था। नॉट दैट आई हैव अ चॉइस सालार, ये मुसीबत अपने सर आप खुद ही लाए हैं। खैर,
क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? फिल्म तो आपकी चली नहीं। सांसें तो चल रही हैं ना, उससे ज्यादा मेहनत कर लूंगा। फेवर बताइए, इतनी ऑफ क्यों? बहुत थक गई हूँ, सुबह से मेहमान आए हुए हैं, सबीना बिजी डे। यू नो यू शुड सेव द बेस्ट फॉर मी। कल बात करें? श्योर, बस अपना कैमरा खुला छोड़ दो। व्हाट? हाँ, आई वांट टू सी यू स्लीप। एक मिनट, होल्ड ऑन। हेलो महानूर बेटा, नीचे आ जाओ, मेहमान जा रहे हैं। आती हूँ। किसका फोन था इस वक्त? मॉम थी, वो मेहमान जा रहे थे ना, तो कह रही थी कि आके मिल लो सबसे। क्या छुपा रही हो मुझसे? राफी तुम्हें क्या हो जाता है? तुम मेरे साथ लेट नाइट पार्टी अटेंड नहीं कर सकती, लेकिन इन मेहमानों के लिए जाग सकती हो। राफी, इन दोनों चीजों में फर्क है। राफी, ये कहीं भी नहीं लिखा कि तुम्हारा और मेरा एक जैसा होना जरूरी है। हर कोई अलग होता है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी जिंदगी होती है। और ये कहीं नहीं लिखा कि ये सब गलत है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई है, जो मुझे नहीं पसंद वो बुरा ही है। तुम अपनी पर्सनैलिटी रखो अपने पास, लेकिन तुम्हारी ये जिंदगी भी मेरी है। You know, I'm madly in love with you. काफी, I need to go. मानूर, चोर मचाए शोर, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अब हमें ये चीज खुलेआम देखने को मिल रही है। औरतों को हिरासा करने वाला एक सो कॉल्ड सेलिब्रिटी उन्हीं विक्टिम्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने चला है। हमसे कहा जाता है, अक्सर तनकीद भी की जाती है, कि हम दूसरे अहम मौजूआत पर बात नहीं करते, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस मुआशरे में औरत और उसकी इज्जत की कोई अहमियत नहीं है? अगर मीडिया इन केसेस पर बात करना छोड़ दे तो ये केसेस भी दूसरे केसेस की तरह बंद होकर रह जाएंगे, माजी का एक पन्ना बन जाएंगे, और औरत से कहा जाएगा कि अपनी पारसाई की गवाही दे, अपने ऊपर बीते हुए जुल्म का सबूत पेश करे। यही सच है, लेकिन अब वक्त है सच को तब्दील करने का। इस केस पर मजीद पेशरफ्त के लिए हमारे साथ रहेगा, वी विल बी राइट बैक। तुम लोगों से सबर नहीं होता है, गैस पाइपलाइन फटने की बात को ब्रेकिंग न्यूज में चलाओगे। कैजुअलिटीज हुई है मुदसर। अरे तो कब नहीं होती कैजुअलिटीज? इडियट्स। इसे कैसे चेक बाउंस हो सकता? मैं क्या कह सकता हूं सालार साहब, आप खुद ही पूछ लेना। अगर वो मेरा फोन उठा रहे होते तो मैं उनसे कुछ पूछता। नीलम का चेक था यार। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज बहुत कट रही है। तैमूर, हेलो हेलो, क्या हुआ, चेक कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया। फिकर ना करो फरार, हमारे केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। केस जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूं अपने आगे, इस इमेज के आगे जिसे बहुत बारीकी से तख्लीक किया जा रहा है।
तरिंदगी का, हैरानगी का, कमजरफी का। कभी कभी सोचता हूं अगर मैं ये केस जीत गया लेकिन अपने बच्चों की नजरों में हार गया तो फायदा इस सबका यार। वापस कब जाएंगे? Oh man, oh come on, stop being so boring, POF. Please. कौन सी दुनिया? Hey, please. तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ. Yes. Don't make me uncomfortable. मानूर? Hey! Hi! How's it going, yeah? You're looking great as always. Thank you. What a pleasant surprise. Surprise छोड़ो, हम सब तुमसे बहुत नाराज़ हैं. क्यों? हमें लगा तुम graduation के बाद वापस आ जाओगी. मेरा इरादा था, but you know, things changed though. और मोहसिन कैसे? यार इसका नाम पूछो यार, वो वैसे का वैसा ही. अभी क्यों से? इसका चलो बहुत दूर है. रात पे? Meet इमरान. हाँ, ठीक है कर चलो. इस night चलते नहीं. बड़ा हंस-हंस के बात कर रही थी. Relax, Ben. We're all just having. Hey! Mind your own business. जानता है मैं कौन हूँ? राफी. तुम घर चलो, बोला ना. राफी हाँ. कहा ना मैंने घर चलो. राफी.